अध्याय 53 तारा। शपथ है तारे की जब वह डूबने लगे। नहीं कुपथ हुआ है तुम्हारा साथी और न कुमार्ग हुआ है, और वह नहीं बोलते अपनी इच्छा से। वह तो बस वह ही प्रकाशना है जो उनकी ओर की जाती है। सिखाया है जिसे उन्हें शक्तिवान ने, बड़े बलशाली ने। फिर वह सीधा खड़ा हो गया तथा वह आकाश के ऊपरी किनारे पर था। फिर समीप हुआ और फिर लटक गया। फिर हो गया दो कमान के बराबर अथवा उससे भी समीप। फिर उसने वही की उस अल्लाह के भक्त की ओर जो भी वही की। नहीं झुठलाया उनके दिल ने जो कुछ उन्होंने देखा। तो क्या तुम उनसे झगड़ते हो उस पर जिसे वे आंखों से देखते हैं? निसंदेह उन्होंने उसे एक बार और भी उतरते देखा सिद्रतुल मुन्हा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है। जब सिद्रह पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था, न तो निगाह चुंधियाई और न सीमा से आगे हुई। निश्चय आपने अपने पालनहार की बड़ी निशानियां देखी। तो फे मुशरिको, क्या तुमने देख लिया लात तथा उज्जा को तथा एक तीसरे मनात को? क्या तुम्हारे लिए पुत्र हैं और उस अल्लाह के लिए पुत्रियां? ये तो बड़ा भोंडा विभाजन है। वास्तव में ये कुछ केवल नाम है जो तुमने तथा तुम्हारे पूर्वजों ने रख लिए हैं। नहीं उतारा है अल्लाह ने उनका कोई प्रमाण। वे केवल अनुमान पर चल रहे हैं तथा अपनी मनमानी पर, जबकि आ चुका है उनके पालनहार की ओर से मार्गदर्शन। क्या मनुष्य को वही मिल जाएगा जिसकी वह कामना करे? नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह के अधिकार में है आखिरत पर लोक तथा संसार, और आकाशों में बहुत से फरिश्ते हैं जिनकी अनुशंसा कुछ लाभ नहीं देती, परंतु इसके पश्चात की अनुमति दे अल्लाह जिसके लिए चाहे तथा उससे प्रसन्न हो। वास्तव में जो ईमान नहीं लाते परलोक पर, वे नाम देते हैं फरिश्तों के, स्त्रियों के नाम। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं। वे अनुसरण कर रहे हैं मात्र गुमान का, और वस्तुतः गुमान नहीं लाभप्रद होता सत्य के सामने कुछ भी। अतः आप विमुख हो जाएं उससे जिसने मुंह फेर लिया है हमारी शिक्षा से, तथा वह सांसारिक जीवन ही चाहता है। यही उनके ज्ञान की पहुंच है। वास्तव में आपका पालनहार ही अधिक जानता है उसे जो कुपथ हो गया उसके मार्ग से, तथा उसे जिसने समार्ग अपना लिया। तथा अल्लाह ही का है जो आकाशों तथा धरती में है, ताकि वह बदला दे उसे जिसने बुराई की उसके कुकर्म का, और बदला दे उसे जिसने सुकर्म किया अच्छा बदला। उन लोगों को जो बचते हैं महापापों तथा निर्लज्जा से कुछ चूक के सिवा। वास्तव में आपका पालनहार उदार क्षमाशील है। वह भली भांति जानता है तुम्हें, जबकि उसने पैदा किया तुम्हें धरती से तथा जब तुम भ्रूण थे अपनी माताओं के गर्भ में। अतः अपने में पवित्र न बनो। वही भली भांति जानता है उसे जिसने सदाचार किया है। तो क्या आपने उसे देखा जिसने मुंह फेर लिया और तनिक दान किया फिर रुक गया? क्या उसके पास परोक्ष का ज्ञान है कि वह सब कुछ देख रहा है? क्या उसे सूचना नहीं हुई उन बातों की जो मूसा के ग्रंथों में हैं और इब्राहिम की, जिसने अपना वचन पूरा कर दिया कि कोई दूसरे का भार नहीं ला देगा, और ये कि मनुष्य के लिए वही है जो उसने प्रयास किया, और ये कि उसका प्रयास शीघ्र देखा जाएगा, फिर प्रतिफल दिया जाएगा उसे पूरा प्रतिफल, और ये कि आपके पालनहार की ओर ही सबको पहुंचना है, तथा वही है जिसने संसार में हंसाया तथा रुलाया।
तथा उसी ने मारा और जिवाया, तथा उसी ने दोनों प्रकार उत्पन्न किए, नर और नारी। वीर्य से जब गर्भाशय में गिरा, तथा उसी के ऊपर दूसरी बार उत्पन्न करना है, तथा उसी ने धनी बनाया और धन दिया, और वही शेरा का स्वामी है, तथा उसी ने ध्वस्त किया प्रथम आद को तथा समूद को, किसी को शेष नहीं रखा, तथा नूह की जाति को इससे पहले, वस्तुतः वे बड़े अत्याचारी अवज्ञाकारी थे, तथा औरधी की हुई बस्ती को उसने गिरा दिया, फिर उस पर छा दिया जो छा दिया। तो हे मनुष्य, तू अपने पालनहार के किन किन पुरस्कारों में संदेह करता रहेगा? ये सचेत करता है प्रथम सचेतकर्ताओं में से, समीपा लगी समीप आने वाली, नहीं है अल्लाह के सिवा उसे कोई दूर करने वाला। तो क्या तुम इस कुरान पर आश्चर्य करते हो तथा हंसते हो और रोते नहीं, तथा विमुख हो रहे हो? अतः सजा करो अल्लाह के लिए तथा उसी की वंदना करो।